हालांकि मेरे पास उनके कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं अपने भाइयों को कहूंगा, ये कहते हैं आरक्षण खत्म करो। तो भाई ललित बैरवा जी, मास्टर जी, भाई राजीव बैरवा जी, हमें भी एक मांग करनी चाहिए कि आप कहते हैं आरक्षण करो, हम कहते हैं राजनीतिक आरक्षण खत्म करो। ये जब तक ये राजनीतिक आरक्षण रहेगा, इस समाज में से गद्दारों की फौज तैयार होती रहेगी। एक व्यक्ति आया था अपनी दाढ़ी पर खजाब लगाकर उसे काली करता था और एक संदेश लेकर आया था, हमने उसका समर्थन किया। समर्थन जब हम करते हैं तो हमारा समर्थन कलात्मक होता है, चित्रात्मक होता है। हमने उसका एक पोस्टर छापा था, पोस्टर पर उस कमबख्त का भी फोटो छापा था और उसके नीचे लिखा था उसका संदेश। वो हमारे पिताजी लाला हरिचंद मौर्या ने और उनके जो मित्र थे पूरन भगत ने बना के लगवाई थी। मेरा नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा, मेरे पास इससे बड़ी और कोई डिग्री नहीं है जिसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा हो। है कोई उसको खरीद सके? कोई नहीं खरीद सकता। खरीदने आएगा तो मुट्ठी खा के जाएगा। हम समाज को खरीदने वाला बना रहे हैं। वो खरीदने का काम वही कर सकता है जो पहले बिकने का काम बंद करेगा, और जब नहीं बिकेगा तभी तो टिकेगा। तो आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बच्चों का युवकों का कार्यक्रम है, संविधान दिवस सोमवार को पड़ रहा है, 26 तारीख को नवंबर के महीने में, क्योंकि उस दिन कार्यक्रम बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र के दो कार्यक्रम हैं, दिल्ली की भी कई कार्यक्रम हैं। हमने इसको रख दिया एक दिन पहले, संडे का दिन और पूर्व संध्या का नाम, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये हम दौड़ लगाएंगे दिल्ली के अंबेडकर भवन से जंतर मंतर तक। बताओ उसमें कौन कौन आएगा? भैया ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिन्होंने दो हाथ उठाए इसका मतलब वो अपने परिवार को भी ले गया। और ये बुड्ढा खुश हुआ आपकी बात पर, मुझे भरोसा हुआ। मगर एक चीज जाते जाते जानते जाना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, माओवादी का हाल है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, इससे इतिहास ये जुड़ा हुआ है कि जब 20 जून 1942 को वायसराय की काउंसिल का उनको मेंबर यानी कि मिनिस्टर बनाया गया, तो बाबा साहब को जब टेलीग्राम मिला उस समय वो नागपुर के कामटी में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग ले रहे थे और गवर्नर का लेटर मिलते ही वहां से सीधे दिल्ली भागे। दिल्ली में पहली रात, दिल्ली आने के बाद मेरे मुक्तिदाता ने पहली रात कहां बिताई? इस विट्ठल भाई पटेल हाउस में बैरक होती थी, बैरक कहते थे एक मंजिली मकान जिस पर खपरेल पड़े होते थे, उसमें बिताई, 35 नंबर में बिताई। ये वो कमबख्त जगह है कि मेरे मुक्तिदाता को मच्छरों ने सारी रात सोने नहीं दिया। फिर अगले दिन वो यहाँ से वैष्णव कोर्ट चले गए, जनपथ पर चले गए और वहाँ पहले 2 नंबर कमरे में गए, बाद में फर्स्ट फ्लोर पर 29 नंबर कमरे में चले गए। तो ये स्थान, ये जिस स्थान पर आप सब बैठे हैं, आओ हम इस स्थान को भी नमन करें जिसने हमारे मुक्तिदाता को शरण प्रदान की। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दिल्ली में जहां जहां कदम रखा था, जहां जहां कदम रखा था, हमारे लिए वो सारे स्थान तीर्थ स्थल हैं। और ये राजस्थान वालों को शायद पता नहीं है कि राजस्थान की महानता क्या है। सबसे बड़ा दार्शनिक बौद्धों का, जो सूर्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, उससे बड़ा कोई वैद्य इस देश में हुआ नहीं, उसका नाम है आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन की मां हमारे राजस्थान की थी। अलवर जिले में एक जगह है बैराट, है ना साहब? वो सम्राट अशोक आए थे साहब वहां, और वहां पर वो लाठ खड़ी करके गए थे, वो स्तूप आज भी वहां बना हुआ है। मेरे बाबा ने जहां जहां चरण रखे, मेरे बाबा ने वहां वहां तीर्थ बनाएंगे, बोलो ना।
जहाँ जहाँ चरण धरे बाबा ने, जहाँ जहाँ चरण धरे बाबा ने, जहाँ जहाँ चरण धरे बाबा ने, अभी मैं खुर्शीद आलम साहब के पास गया था। खुर्शीद आलम साहब को सब जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। सुरई ससाई जी ने महाबोधि महाविहार जो बोध गया का हमारी पुराना तीर्थ स्थल है, उसके मैनेजमेंट में चारों मेंबर बोध होने चाहिए, इसलिए ऊपर केस डाला हुआ है। खुर्शीद आलम साहब उसके मेंबर हैं। मैंने उनको कहा, सर ये जो आपका तिलक मार्की कोठी नंबर एक है ना, पटियाला हाउस के सामने, बाबा साहब यहाँ रहते थे, इसे गुंबद वाली कोठी भी कहते थे, इसे इंसाफ की कोठी भी कहते थे, और इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ हुई, इन कमबख्तों ने वो कोठी तोड़ दी। अरे तुम कोठी तोड़ दो, हम टूटी हुई पे कब्जा करेंगे। अरे 26 अलीपुर ले लिया, 26 अलीपुर ले लिया, तो इसको तो उसको तो हमने संघर्ष करके लिया था, इसको तो हंस के ले लिया। ले गए या नहीं लेंगे, तो ठोको ताली। बाबा साहब जहां जहां रहे दिल्ली में, बाबा साहब फतेहपुर बेरी में भी रहे थे, फतेहपुर बेरी में रहे थे, उसका अलग इतिहास है। मैंने दिल्ली का जो इतिहास छापा है वो आपको दिल्ली वालों के पास, जो दिल्ली में रहते हैं चाहे बाहर से आके रहते हैं, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ है, कम से कम उनको वो किताब अपने पास जरूर रखनी चाहिए। तो आज इस मौके पर इस जानदार, इस शानदार कार्यक्रम को करने वाले स्वाभिमान संघ के समस्त कार्यकर्ताओं को, जिनकी अगुवाई भाई ललित बैरवा जी कर रहे हैं, राम निवास जी कर रहे हैं, राजीव बैरवा जी हैं, और बहुत सारे हमारे साथी हैं, इन सबके जज्बे के लिए एक बार जर ताली तो बजाओ। अभी क्योंकि ये मुझे हर साल बुलाया भी है, राजस्थान में मैंने कह दिया मैं जाता, मैं आपको, मैं बुढ़ा हो गया। कहने लगा अब हम दिल्ली में ही करेंगे, तो भैया ये दिल्ली में हो गया। अब मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि भैया कार्यक्रम तो आपका सफल हो गया। मगर एक बात है कि जनता को आदत पड़ने के लिए कई प्रोग्राम चाहिए, इसलिए और भी प्रोग्राम दिल्ली में करना। मैं आपको 25 को है हमारा प्रोग्राम, 25 को नहीं, वो तो है। मैं स्वाभिमान संघ से, प्रोग्राम तो सारे हमारे सब कंबाइंड है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप उसमें दिल खोलकर दान भी देते हैं। काम करके हमसे भी कहते हैं सीना तानो, अबे उससे पहले तू हमारी मानो। हमारी मानोगे तो बड़े मजे में रहोगे। क्यों, शांति स्वरूप बोध एक ऐसा प्राणी है, दिल्ली की क्रीम बैठी है यहाँ। जिस दिन मैं 10 वर्ष तक भारतीय बोध महासभा दिल्ली का अध्यक्ष रहने के बाद, जब मैं बाहर निकल के आया तो चेतराम भास्कर जी ने मुझसे कहा था कि ले भाई अब तू तो इससे मुक्त हो गया, तू आ जा हमारी संस्था से जुड़ जा। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आपको भी मुझे प्यार करना चाहिए। मैंने ये संकल्प लिया पद छोड़ने से पहले कि अब मैं दिल्ली के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित पद पर और सबसे अधिक समय 10 साल तक पद पर रह लिया, अब जीवन में कभी भी कहीं पद पर नहीं आऊंगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, बताओ मुझ में क्या कमी नजर आ रही है। मेरे सर पर बाल ही तो कम हुए हैं, मगर इतने सारे मुझे बाल बच्चे भी तो मिल गए। ये पदों के चक्कर में बाबा साहब का रथ फंस गया, कीचड़ में, दलदल में फंस गया। जिन लोगों को अपनी समाज के हित में संघर्ष करना था, वो लोग बाजार में खड़े होकर के देखते हैं कि तेरे ऊपर किसकी नजर जाती है, कौन तेरी कीमत लगाता है। अरे तुम भूल गए,
इस देश में हमारे हमारे पुरखों का राज होता था। इस देश में जितने भी किले थे उन किलों के ऊपर हमारे पुरखों की पताकाएं फहराती थी, हमारे सर पर मुकुट सजते थे, हम इस देश के शासक थे। हमने एक जाति लिखी, चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। लोग अपने आप को चमार कहने में गर्व करने लगे। अबे हम कह रहे तेरा इतिहास गौरवशाली है, वर्तमान स्थिति तेरी बड़ी खराब है, समझ गए? अकड़ने लगे चमार, हम तो गौरवशाली। अबे काहे का गौरवशाली चमार है, तेरा इतिहास गौरवशाली है। क्यों इतिहास गौरवशाली है? इतिहास इसलिए गौरवशाली है कि हमारे पुरखों ने कभी भी बेईमानी नहीं की। आप शिवाजी महाराज का खजाने के खजांची का नाम पूछ लो, पता चलेगा वो तो चमार था। आप अहिल्या बाई के खजाने का रक्षक पूछ लो, आपको पता चलेगा वो तो मार था। हम लोग छोटी जाति के होते हुए भी हम इनके खजानों के रखवाले थे। कारण क्या था? हम अपनी जान पर खेल सकते थे मगर खजाने पर किसी की उंगली नहीं लगाने दे सकते। ये हमारा चरित्र था। बौद्ध धर्म इस देश से अगर समाप्त हुआ तो इसलिए नहीं कि उसमें कोई कमी थी। बौद्ध धर्म समाप्त हुआ इसलिए कि उसमें कोई कमी नहीं थी, और ये उस कमी ना होने के कारण उस बौद्ध धर्म का मुकाबला कर नहीं पाए, तो षड्यंत्रों पर उतर आए। षड्यंत्र कैसे? जो एक भिक्षु की गर्दन काट के लाएगा उसे 100 सोने की दनार मिलेंगी। इतनी स्थिति खराब हुई गुरुजी कि कोई अगर नहीं भी मिलता था तो मरे मराए की गर्दन दोबारा ला के 100 सोने की दनार लेंगे। बेईमान है ना, जन्म से बेईमान है। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ, एडवोकेट साहब भी कह के गए, मैं भी कह रहा हूँ, साहित्य से रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो हमेशा पछताते रहोगे। दिल्ली के लोग बैठे हैं कि अंबेडकर भवन वालों को समझा दो, मेरा अंबेडकर भवन वालों से झगड़ा कोई नहीं है। मैं कुछ चाहता हूँ, हमारे पड़ोस में आरएसएस की किताब का भंडार है, आरएसएस की किताबों का भंडार है, सुरुचि प्रकाशन है, झंडे वाले मंदिर के बाहर है, और हमारे अंबेडकर भवन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान, भारत का सबसे अधिक संख्या का ग्रंथकार, उसके नाम पर जो अंबेडकर भवन है वह किताब के नाम पर इल्ले इल्ले कुछ नहीं। तो इसलिए आप लोग जाएं और उन्हें बताएं कि सम्यक प्रकाशन की किताबें ना खरीदें मगर किताबें दूसरों की खरीद के बेचें। अगर आप ये काम करेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन आगे बढ़ेगा। मैं कोई पागल नहीं था, मैं सेक्शन ऑफिसर था। आज अगर मैं सेक्शन ऑफिसर रिटायर्ड होता तो मैं डिप्टी डायरेक्टर होता, और मेरी पेंशन कितनी होती? 1 लाख रुपए से ज़्यादा मेरी पेंशन होती। मगर मैंने उस नौकरी को, उस मोटी तनख्वाह को, उस पेंशन के लालच को अगर ठोकर मारी तो इसलिए मारी कि आज राजस्थान के बच्चे भी कह रहे हैं कि शांति स्वरूप बोध के कारण हमारे में जागृति आ गई। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी तनख्वाह है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पेंशन है। आज अपने आप को पहचानो। 3 राज्य जो बहुत पिछड़े थे अंबेडकरी मूवमेंट में, बहुत पिछड़े थे, कहाँ से शुरू करूं? राजस्थान, हरियाणा और हरियाणा के इधर गुजरात, तीनों नॉन अंबेडकरी मूवमेंट के लिहाज से नॉन, मगर आज की उपलब्धि यह है कि तीनों राज्य में मूवमेंट हो गया ऑन। ये जो स्वाभिमान संघ है, बारवा कोई जाति नहीं भैया, आपको अगर गलतफहमी हो तो ये पन्ना फाड़ के फेंक देना, ये बैरवा कोई जाति का नाम नहीं है। एक अंग्रेज ने इनकी बहादुर से खुश होकर के कहा था, ओए डिसेंट एंड ब्रेव, उस ब्रेव को बिगाड़ के इन्होंने बैरवा बना दिया। साहब जी गलत तो नहीं कह रहा? तो गलती हम करते हैं, और हमारी एक आदत पड़ गई है, हर बात में जाति बनाएंगे, हर बात में जाति बनाएंगे, यानी कि दुश्मन की कामयाबी के आधारशिला रखेंगे। तो आज मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, मुझे कई मेरी बच्चियों ने टोका, बच्चे ने किसी ने नहीं टोका कि मैडम नहीं आए आज, मैडम नहीं आए आज,
हम मैडम को क्यों लाते हैं? हम मैडम को इसलिए लाते हैं कोई ये ना समझे कि भाई अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग अपनी घरवालियों को खाना भी खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। मेरे से तंदुरुस्त हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, ये अंधे हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो साथियों, ये राजनीति जो है हमारे माफिक नहीं है। हमारे माफिक क्या है? हमारे माफिक है शिक्षा का आरक्षण, हमारे माफिक है रोजगार का आरक्षण, जो इसकी किसकी इसकी आंख में कांटे की तरह अखरता है। क्यों अखरता है? शांति स्वरूप बौद्ध और उसके पुरखे जब लंगोटा पहनते थे तो इनको बड़े अच्छे लगते थे, मगर अब हम अच्छे कपड़े पहनने लायक हो गए हैं तो इनके पेट में मरोड़ उठता है। मैं तो सरकारी ऑफिसर रहा हूं ना, जानता हूं जब कोई पंडित जी दफ्तर में किसी हमारे अफसर के सामने आता है और उसकी दो चार बातें सुनता है और बाद में सुनते सुनते वापस आ जाता है तो अपना सिर पीटता है और कहता है सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो। क्या कहता है कि हमें ये भी दिन देखने थे? अरे इन चूड़े और चमारों की हमें सलाम बजाना था, ये बोलता है। असली पीड़ा यहाँ पर है। अरे इन लोगों ने चूड़ा चमार गाली दी, इसका क्या मतलब है? उन्होंने चूड़े और चमार को एक कर दिया। और चूड़े और चमार क्या कह रहे हैं? चमार कह रहा है मैं तेरे से ऊंचा, और भैया जो चूड़ा है वो कह रहा है मैं तेरे से बढ़िया। हम आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं और वो सत्ता पर काबिज हैं। आज का मेरा संदेश ये है कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को आप ईमानदारी से मानते हैं, जरा बताओ कौन कौन मानता है, जरा हाथ उठा के दिखाओ। वाह 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 वाह। तो भाइयों एक बात याद रखना, ये दिल्ली की जो इस वक्त सबसे गतिशील संस्था है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी, ये उसके जाबाज चिल्ला रहे हैं। बाबा जो लोग हमको जातिवादी कहते हैं, समझ लो वो झूठ बोलते हैं, वो मक्कार हैं, वो बेईमान हैं, वो दगाबाज हैं। जातिवादी हम नहीं हैं, हम तो जाति पीड़ित हैं। जातिवादी वो हैं जिन्होंने जाति का निर्माण किया, जिन्होंने जाति बनाई और जाति बना करके हमारे सभी प्रकार के साधनों पर डांका डाला। जातिवादी वो हैं। अगर आपने इस देश के 1-3% लोगों को सबक सिखाना है तो एक बात याद रखना, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में इतने सारे महापुरुषों को गुरु बनाया। अपने उनके जीवन में उन्होंने जो संविधान बनाया वो सब जाति के लिए था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महाड का जो सत्याग्रह पानी पीने के लिए किया था वो अपनी जाति के लिए नहीं, सभी वंचित समाज के लोगों के लिए पानी पीने के लिए बिगुल संघर्ष का बिगुल बजाया था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल का जो संघर्ष किया था वो मेरी समाज की महिलाओं के लिए नहीं किया था, वो इस मनु की नालायक औलाद अपनी महिलाओं को भी अधिकार नहीं देती है उनके लिए भी किया था। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इसलिए आभारी हैं, इसलिए ऋणी हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी व्यक्ति था। और ये लोग क्या हैं? ये षड्यंत्रबाज है। बुद्ध से पहले क्या था? बुद्ध से पहले था अल्प जन हिताय अल्प जन सुखाय। समझ गए? समझाऊं? समझ गए? अल्प जन 3% उन्हीं के सुख और हित की बात होती थी। और बुद्ध ने ये बीमारी समझी और आकर के क्या कहा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय तथाय। ये बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय। बहुजन हिताय का मतलब क्या है? कि जिनकी संख्या ज्यादा है और जो सदाचारी हैं और दुराचारियों के चक्कर में पड़ के पिछड़ गए हैं उन सबके हित के हम काम करेंगे।
मगर जब वो कहते हैं चरत भिक्खु चारी कण, अरे भिक्खु घर से निकलो, आश्रम से, बुद्ध विहार से निकलो और चारी का चलो, यात्राएं करो। उल्टी कहानी, बुद्ध से पहले कहते थे कुआं प्यासे के पास थोड़ी जाएगा, अरे प्यासे को प्यास लगी है तो वो कुएं के पास आएगा। मगर बुद्ध ने पहले वर्षावास में 60 भिक्षुओं को जो ज्ञान के कुएं थे, ज्ञान के कुंभ थे, उनको तैयार करके कहा कि ऐ कुओं, ऐ ज्ञान के कुओं जाओ, प्यासों के घर जाओ, वो जो ज्ञान के प्यासे हैं अंधकार में पड़े हैं, जाओ उनके घर जा करके ये ज्ञान का अमृत रूपी जल बनाओ और उसके अंधकार को दूर करो। मगर ये जिम्मेदारी आज के जमाने में खाली भिक्षुओं की नहीं है, जो हम संस्था चला रहे हैं ये हमारी भी जिम्मेदारी है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में कहा था, 14 अक्टूबर को कहा था, नागपुर की पवित्र भूमि पर कहा था कि अब मैंने तुमको बुद्ध का अनुयायी बना दिया है, अब तुम्हारा परिवार सारी दुनिया में फैल गया है। उसी दिन से हमारे खिलाफ इस देश की शासक जातियों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और क्या किया, जो हमारा बोध भिक्खु होता है ना, बाबा साहब लिखते हैं अपने अंतिम अमर ग्रंथ में, लिखते हैं दि बुद्धायनी धम्मा में लिखते हैं, जिसे हम हिंदी में भगवान बुद्ध और उनका धम्म कहते हैं, उसमें वो लिखते हैं ए बुद्ध समान इज ए होल टाइमर सोशल वर्कर, एक बोध भिक्खु पूर्णकालिक समाज सेवक होता है। मगर हमारे बोध भिक्खु क्या कर रहे हैं बताऊंगा तो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। हमारी संस्थाएं क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे बौद्ध भिक्षुओं का कंसेप्ट हमारी आंखों के सामने देखते देखते चुरा लिया। ये इनका सफेद दाढ़ी वाला काले मन वाला प्रधानमंत्री कौन है, इसको क्या कहते हैं प्रचारक, ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा, उसको कहते हैं प्रचारक। वो प्रचारक क्या कर रहा है, बौद्ध भिक्खु अपना घर नहीं बसा सकता, इनका प्रचारक भी घर नहीं बसा सकता। बौद्ध भिक्खु अगर घर बसा हुआ है उसे छोड़कर उसे आना पड़ता है। इनका मोदी क्या कर रहा है, वो भी जसोदा बहन को छोड़ करके बाहर आ गया। बौद्ध भिक्खु 24 घंटे का समाज सेवी होता है, इनका प्रचारक भी समाज सेवी होता है, 24 घंटे का होता है। हमारा कंसेप्ट चुरा के और हमारी छाती पर दाल दल रहे हैं और हम अपना सब कुछ लुटा हुआ देखकर भी बड़े मग्न हैं, बड़े मस्त हैं। साथियों अब दस्तूर बदलना चाहिए इस देश के अंदर। भाई अवतार आ गया, आपका अवतार आ गया, वाह वाह मेरा लाडला आ गया, मेरा लाडला आ गया। और इनके पड़ोस में जो बोझ भी बैठे हैं और भी दुगना साहस मेरा बढ़ गया कि कभी सफल नहीं हो। एक जाति का आंदोलन बाबा साहब के आंदोलन की विफलता की गारंटी। जितनी भी दलित जातियां हैं, जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जितनी भी आदिवासी जातियां हैं, आओ मेरे साथ बैठ करके सलाह मशवरा करो, मैं साबित करूंगा ये सब एक बाप की औलाद है। ये जो एक बाप की औलाद है, अगर समझ में नहीं आता तो देखो आदि मानव देखा है आपने, नंगा है, बदन पर बाल लटके हुए हैं, हाथ में उसने लंबा पत्थर हथियार के तौर पर ले रखा है, चल रहा है कहीं 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 कहीं, कौन है वो बताओ, किस जाति का है वो? वो साहब जी सब जाति उसी की संतान है। इसलिए भारतवर्ष की सबसे पराक्रमी जाति कौन सी है, शाक्य जाति, बुद्ध की जाति, मौर्य जाति, सम्राट अशोक की जाति, कोली जाति, महामाया की जाति। ये तीन जातियां मूल जाति इस देश की हैं और जितनी भी नॉन ब्राह्मण जातियां हैं सारी इन्हीं में से निकली हैं, या प्रतिगामी प्रतिक्रांतिवादी तत्वों ने इन्हीं को तोड़ तोड़ कर बनाया है। आज भी जो जातियों की फैक्ट्री तो अब हमने लगा रखी है ना, ये जो बैरवा भाई हैं राजस्थान से आए हैं,
मैं आपको देखता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। उसका कारण ये है, एक जमाना ये था, ये जो दिल्ली में फिल्मिस्तान के पास बैरवा लोगों की बहुत बड़ी आबादी है, वहां पर दिल्ली के जमात और बैरवाओं की आपस में तलवार खटकती रहती थी। मगर आज शांति स्वरूप दिल्ली में जिस जाति का भी है, अगर इसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो राजस्थान के बैरवाओं के ऊपर बदन में पीड़ा होगी। आज आंदोलन ये बन गया है, इसलिए हम कहते हैं आप अपने बीच में से जातियों की संख्या कम कर दो। अरे जो एक जमाना था 1930 का, चमार लोगों ने अपने आप को देखा कि चमार को साली गाली बन गई, आओ इससे छुटकारा पाएं, वो छुटकारा पाएं। अबे तुमने क्या अपराध किया है? उसने, शासक जातियों ने हमें हमारी जातों से नफरत करनी सिखा दी और भगदड़ मच गई। हम जाटव बने, अहरवार बने, कुरील बने, बैरवा बने, बलई बने, मेघवाल बने, न मालूम क्या क्या बने, और बनने के बाद फिर जिससे भी हम निकल के आए हैं उससे नफरत करनी शुरू कर दी, उन्हीं में शादी विवाह करने बंद कर दिए। आज एक जाटव जाती है, अभी कल ही हमारे घर एक आदमी आ गया तो कल बोलते कितने समझदार आप आदमी हैं, हम चबार नहीं हैं, हम तो जाटव हैं। अभी तू हमें क्यों सुना रहा है ये दर्द-दर्द दास्तान? ये दास्तान हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। अगर इस देश का 144 खंबे वाला ये जो गोल घर है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, अगर इस पर ईमानदारी से कब्जा करना है तो साथियों अपने भीतर की जातियों को कत्ल कर दो। आप अपनी जातियों को कत्ल करोगे। अभी यूथ फॉर ब्रिटिश इंडिया के करिश्माई अध्यक्ष भाई हरी भारत जी यहाँ बैठे हैं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।